भैया। सूरज क्यों खड़े है? मेरे मेरे पास आना बाबू। आराम से, आराम से छोरा। तूने अपनी बाबू को माफ कर दिया छोरा। जेठ जी, अब तो बाबू से नाराज थे ना, बाबू को माफ कर दिया ना? आराम से, आराम से। नाराज होना बच्चों की गलती पे, बच्चों को डांटना माँ का पूरा अधिकार हुए। फिर भला मैं तुझसे नाराज कैसे हो सकता हूँ बाबा? अगर फिर बेचारे अनजाने में मुझसे कोई गलती होगी, मुझे माफ कर दे। ना छोड़ ना। तो कहते हैं ना कि मैं तेरा सबसे लाडला बेटा। हाँ बेटा, तू सबसे लाडला है थारी बाबू का। जी लगता है जेठी सारी पिछली बातें भूल गए, सब कुछ भूल गए। क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रहा है? आजा आजा मित, आजा। तेरे पापा है ना, सब संभाल लेंगे। रो क्यों रहा है? जी जी वेद इसलिए रो रहा है क्योंकि उसे अपनी मम्मी की याद आ रही है। आपको याद है ना कि जेठानी जी हमारे बीच में ना रही? आपको वो रेल वाला एक्सीडेंट तो याद है ना, जिसने हमारी जेठानी जी छीन ली थी हमसे? तारी मामा, तारी मामा, तारी मामा जिंदा है। तो क्या हुआ अगर वो कहीं दूर चली गई? लेकिन यहां यहां तो हमेशा बसी रहेगी ना? बिल्कुल ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक। और जेठानी जी की मौत को स्वीकार भी कर लिया। लेकिन आपने एक बात देखी, लाली माँ का एक बार भी नाम ना लिया। जिस लड़की ने इनके लिए इतना कुछ करा, इन्हें पुनर्जन्म दिया, उसको याद भी ना करें? बेचारी लाली माँ सबको याद कराने के चक्कर में खुद को ही भुला बैठी। दीदी मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि सूरज जी को ठीक करने के लिए आपने अपनी जान को दांव पर लगा दिया। अब मरते मरते बची हो आज। अगर भगवान ना करे कुछ ऊंच नीच हो जाती तो
मैं तो अपनी इकलौती बहन खो देता ना, जाता फिर आ जाता। माँ बाप भाई बहन सिर्फ आप ही हो मेरे लिए जीजी, और कोई नहीं। अगर आपको आज कुछ हो जाता ना लोकेश, जिसके पास तेरे जैसा इतना प्यारा भाई हो, उसे कुछ हो सकता है क्या? जीजी आप बात को घुमाने की कोशिश मत कीजिए, कोई मजाक नहीं चल रहा है, आपकी पूरी जिंदगी का सवाल है। बहुत नाराज हूं आपसे। सिस्टर, सूरज जी कैसे हैं? अब वो ठीक है, करिश्मा हो गया इस एक्सीडेंट से, अब सूरज जी बिल्कुल स्वस्थ है। जीजी ने जो किया, भाई होने के नाते मेरे मन में उसके लिए नाराजगी है, लेकिन जीजी का सूरज जी के लिए निस्वार्थ प्रेम है, जो ऐसी हालत में भी जीजी को अपनी नहीं सूरज जी की चिंता है। जीजी आप सूरज जी को ठीक करना चाहते थे और उसके लिए आपने अपनी जान दांव पर लगा दी, आज आपकी सारी कोशिशें रंग लाई और सूरज जी आज ठीक हो गए। लेकिन आपको मेरी अब सारी बातें माननी होगी। याद है ना आपको वो वादा जो आपने मुझसे किया था कि एक बार सूरज जी ठीक हो गए तो आप मेरी सारी बात मानोगे? डॉक्टर साहब, सूरज उन 6 महीनों की हर बात भूल गया है, उसे कुछ भी याद ना है, वो ठीक तो है ना? देखिए, हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि सूरज अपने पत्नी की मौत को स्वीकार करे और उसका आग का डर खत्म हो, और ये दोनों बातें एक साथ हुई तो ये तो अच्छी बात है। सूरज अब बिल्कुल ठीक है। ऐसे केस में अक्सर ऐसा होता है कि मरीज अपने बीमारी के दौरान बीते हुए समय की बातें भूल जाता है। अच्छा, उस लाली माँ से पेन छूटा। लेकिन अगर उन्हें वो बातें याद दिलाने की कोशिश की जाए तो धीरे धीरे मरीज को सब कुछ याद आ जाता है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। बाबू, मैं क्या कह रही थी कि ये जरूरत है हमें याद दिलाने की, हमारे लिए तो सबसे बढ़िया बात है कि जीजी बिल्कुल ठीक हो गए, और वो टाइम तो बहुत ही खराब था, याद करने की भी क्या जरूरत है। बाबू, जीजी आपसे नाराज थे, वो नाराजगी भी खत्म होगी, वो भी भूल गए, ये अच्छा हो गया है ना? चुप रह। सूरज को ठीक करने के लिए जो निस्वार्थ तपस्या लालिमा ने की है वो मैं सूरज को याद दिलाकर ही रहूंगी। एक माँ इतनी स्वार्थी ना हो सके। वेद, ये रुक। पापा, मैं कर लूंगा। कोई बात नहीं, दे। अच्छा वेद, ये तो बता कि पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद अच्छी चल रही है ना? क्योंकि याद है मैंने क्या कहा था कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है ना तो ही आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा। अच्छा पापा, मैं आपके लिए गणेश जी का प्रसाद रखूं, अभी लाता हूं। मेरे वेद ने अपने पापा की बहुत सेवा की है, बहुत देखभाल की है। अब वेद के पापा की बारी है, अब उसके पापा उसकी डबल सेवा करेंगे। आधी उसके मामा के हिस्से की और ये आधी उसके पापा के हिस्से की। नहीं लोकेश, मैं ऐसा नहीं कर सकती। पर आपने मुझसे वादा किया था जीजी, आप अभी अपने वादे से मत मुकरिए। आपको सूरज जी से क्यों?
तो है। क्या बात हुई? कुछ ठीक नहीं बाबू। भाई होने के नाते मैं जीजी की सारी बातें मानता हूँ, लेकिन छोटा होने का ये तो मतलब नहीं है ना कि जीजी मेरी कोई बात ना माने, अपने वादे से मुकर जाए। ना ना, ये तो गलत बात है लालिमा। तारे भाई ने हमेशा तारा साथ दिया है, तो तू भी इसका मन चाहे कर दे, दे दे इसका साथ। मैं तुझे कहने आई थी कि तूने जो किया है वो कोई और नहीं कर पाता। आज सच्ची माँ हमेशा के लिए तारी ऋणी बन गई है। धन्यवाद तो बहुत ही छोटा सा शब्द है जो तूने किया है। आज जिस निस्वार्थ भावना से तूने हमारे सूरज को ठीक किया है वो तो मैं भी ना कर पाती। आज तूने ये जता दिया कि विश्वास से भरी हुई लुगाई जो भी ढाल ले वह ना तो अनहोनी ने भी होनी पड़ा। लुकेश जी, आज आपकी बहन का जो एहसान मैं जिंदगी में कभी ना भुला सकूं, और मैं वादा करती हूं कि उसके इस निस्वार्थ प्रेम को अधिकार दिलाकर ही रहूंगी। दुनिया ने चाहे जितने ताने दिए, आसमान से छूती हुई आग के लपटे क्यों ना, इसने मेरे छोरे का साथ न छोड़ा, मैं भी तारा हाथ कदे न छोड़ूंगी। बाबू, तो शायद आपको विश्वास हो गया होगा ना जीजी कितना प्रेम करती है सूरज जी से। बस आप इस प्रेम को जीवन भर के साथ बदल दीजिए। लुकेश, हाँ यही होगा लुकेश जी। सूरज के साथ लाली माई रहेगी। जब मैंने पहली बार थारे को देखा था ना, तभी हमारे मन में हुक सी जाग उठी थी कि ठाकुर जी करे तू ही हमारे सूरज की जीवन संगनी बने। और आज देख इस रिश्ते ने सही नाम देने का समय आ गया है। चल मैं ही तुझे सूरज से मिलाती हूं। चल अब हम दोनों मिलकर ना सब ठीक कर देंगे, और अब तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। आज के बाद से तेरी मम्मा भी मैं और तेरे पापा भी मैं। ये ले और खा। वैसे मोदक बड़े टेस्टी है, कहां से आई है? जैसे इस पाती के बिना इस दिए के होने और ना होने का कोई मतलब नहीं, ऐसे ही आपने मेरी जिंदगी को मतलब दिया है संध्या जी। और जैसे ये इन दोनों के आपस के साथ के बिना इनका जीना अधूरा है, ऐसे ही मेरा आपके साथ के बिना। संध्या जी, आज अगर आप दिल है तो मैं इस दिल की धड़कन। सूरज को संध्या की खुशबू ही उसको उसके पास होने का एहसास दिलाती है। हर समय में मैं ही आपकी पत्नी बनूंगी। तेरी मम्मा। पापा, ये मम्मा का है? बस आंखें तो दिख रही सारत की। नहीं,
ये तेरी मम्मा है। मैं पहचानता हूँ तेरी मम्मा को। मैं संदेह क्या करूँ, पहचानता हूँ। तेरी मम्मा जिंदा है। पापा, आप कहाँ जा रहे हो? तेरी मम्मा को घर लाने। पर पापा आप। तू बिल्कुल चिंता मत कर। तेरी मम्मा जहाँ भी होंगी ना, मैं उनको वहीं से ढूंढ निकालूंगा। और देखना तू, हम दोनों ठीक ठाक वापस लौटेंगे, ठीक है? तब तक अपना ध्यान रखना। ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।